लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के खिलाफ महागठबंधन के अगुआ राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों परेशान हैं। परेशानी का कारण न तो नीतीश जी हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी और न ही उनके सिपालसार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। लालू जी परेशान हैं अपने दोनों पुत्रों की अघोषित जंग से। ये जंग अब जमीन पर उतर आई है। जंग ऐसी कि मुंबई के एक अस्पताल में अपना इलाज करा रहे लालू को इलाज बीच में छोड़कर पटना लौटना पड़ा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस 5 जुलाई से होती है। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के बढ़ते राजनीतिक कद से विचलित लालू के बड़े पुत्र और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप अपना दुख दर्द छुपा नहीं पाए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने पार्टी में हो रही अपनी उपेक्षा को सामने लाते हुए कहा कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह चल रही है इससे भी वो खुश नहीं है। लेकिन इसी वक्त ऐसा हुआ कि तेज प्रताप तिलमिला गए। हुआ यूं कि उस वक्त जब तेज प्रताप अपना दुखड़ा रो रहे थे तो छोटे भाई तेजस्वी ने उठकर कहा कि वो अपनी स्पीच छोटी करें और पार्टी के एक सीनियर मोस्ट लीडर की तरह आचरण करें। यह कहकर तेजस्वी वहां से चले गए। सूत्रों की माने तो जब इस बात की भनक लालू प्रसाद यादव को लगी तो वो मुंबई से भागे भागे पटना पहुंचे तो जरूर, लेकिन बड़े भाई के आचरण से नाराज तेजस्वी पिता से मिलने की बजाय रूठ कर दिल्ली चले गए। तेज प्रताप ने भी आनन फानन में अपने चुनाव क्षेत्र वैशाली के महुआ की ठौर पकड़ ली। उन्होंने साइकिल से महादलितों की बस्ती की परिक्रमा की, एक किसान के घर रुककर चारा काटा, एक दलित के घर सत्तू खाया और एक सरकारी अधिकारी को फोन लगाकर स्पीकर फोन पर उनका हालचाल पूछा। खैर कुछ भी हो, मगर घर में धर्मपत्नी ऐश्वर्या के आगमन के बाद से ही तेज प्रताप अपनी इमेज बदलने की कवायद में है। अब वो अपने साथ चंद मुंह लगे पत्रकारों की मंडली लेके चलते हैं, अपनी पॉजिटिव खबरें छपवाते हैं और गाहे बगाहे अपने छोटे भाई तेजस्वी को भी कोसने से चूकते नहीं। तेजस्वी छोटे हैं मगर बड़े भाई का इमेज मेकओवर उनके गले नहीं उतर रहा। उधर नीतीश खुश हैं, उन्हें परेशान करने वाले लालू परेशान हैं। NTI पॉकेट टीवी के लिए त्रिदीप रमन की रिपोर्ट। हमारे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।